हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता माहेश्वरी फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। बच्चों आइए, आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश की क्लास में आज हम ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर में हमारा आज का टॉपिक है एसे। एसे में आज हम किसका एसे लिखेंगे? माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, इससे पहले आपने द काउ का एसे किया था, वो सभी बच्चों को लर्न हो गया है। आज मैं आपको सेकेंड एसे करा रही हूँ, दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, देखो इसकी मैंने आपको 10 लाइन्स लिखाई है। ये मैं आपको एक साथ इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि ऐसे को फिर मैं बार बार डिवाइड करके क्या लिखाऊं। आपको लिखना एक साथ है, लेकिन आप घबराएं नहीं, आप इसको लर्न थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे। जैसे आपने 3 लाइन्स लर्न कर ली, फिर उसके बाद 3 लाइन्स लर्न कर ली। ठीक है बच्चों, तो आपको घबराना नहीं है कि मैम ने एक साथ इतना बड़ा ऐसे क्यों दिया है। आपको थोड़ा थोड़ा करके लर्न करना है। 2-2 लाइन्स करके भी लर्न कर सकते हैं आप। आपको इस तरीके से ये 10 दिन में पूरा लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है I have many friends, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, but लेकिन my best friend's name is Ram, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड का नेम क्या है? राम। ओके, he is a good boy, वह बहुत अच्छा लड़का है। he is 6 years old, वह 6 साल का है। he lives in बल्लभगढ़, वह बल्लभगढ़ में रहता है। His father is a doctor, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। His mother is a teacher, उसकी माताजी एक अध्यापिका हैं। He is very good in studies, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। He is a good player, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। He is very helpful, वह बहुत मददगार, मतलब सहायता करने वाला है। To others, दूसरों के लिए वह बहुत ही helpful person है। I like him very much, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको सभी lines की हिंदी भी समझा दी है। बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ये आपको 2-2 lines करके ही लर्न करना है, या 3-3 lines करके। आप इनको पहले कॉपी में पूरा नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद डेली 3 लाइन्स ही लर्न करेंगे। जब तक आपको 3 लाइन्स कंप्लीट नहीं हो जाती है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमने 3 लाइन्स लर्न कर ली, उनको हम रफ कॉपी में लिखकर देखेंगे, कोई हमारी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है या हमारी लाइन गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, तो जब आपको 3 लाइन्स कम्प्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर 3 लाइन्स ले लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारी फिर 6 लाइन हो जाएंगी, फिर हम 6 लाइन लिखकर देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा करके ही लर्न करना है। या आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।